गुमला सदर प्रखंड के क्योंजारा बेरटोली गांव की रहने वाली सहोदरी देवी का घर पिछले दिनों आई बारिश में ध्वस्त हो गया। घर ध्वस्त होने के बाद दूसरे के आवास पर सर छुपाने के लिए परिवार के सदस्यों को आश्रय लेना पड़ा है। सहोदरी देवी काफी गरीब परिवार से हैं। परिवार में 5 सदस्य हैं, जिसमें उनका बेटा मजदूरी कर किसी तरह घर चलाता और उसकी दिमागी हालत भी खराब है। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो घर का फिर से निर्माण कर सके। सहोदरी देवी कहती हैं कि ग्राम सभा की बैठक में आवास निर्माण के लिए योजना चढ़ाया गया है, लेकिन उसका लाभ अभी तक उन लोगों को नहीं मिल पाया। सहोदरी देवी ने जिला प्रशासन व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, ताकि परिवार के सदस्य घर निर्माण कर एक स्थान पर रह पाते और अपनी जीविका चला सके। परेशान तो घर न रह के लिए भले ही नखे एक दिन घर न सुते के नखे खाए के नखे ना पगला पगली है ना आवे के ला उसने है तने कहाँ से रिंधब खाए कहाँ जले भात ना तिया नहीं रिंधो अथी अभी हमार घर गिर जाए बरसात ने से बुनवाई खोज थी सरकार बोले। इधर क्योंजारा गांव की स्थिति काफी खराब है। गांव जाने के लिए एक बेहतर सड़क भी ग्रामीणों को नसीब नहीं है। कच्ची सड़क होने के कारण जगह जगह जलभराव से कीचड़ हो गया है। गांव में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बनने वाले शौचालय का भी लाभ किसी भी ग्रामीण को नहीं मिला है। वहीं तेतरी देवी कहती हैं कि उनकी मांग है कि उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। बहुत गरीब हैं। मेरा आदमी लेबर काम करते हैं, उसमें से घर चलाते हैं और रहते हैं दूसरा के घर में, बर्तन धो के खाते हैं। दो बेटा हैं, मेरा सास एक हैं, मेरा पति एक हैं, सब जमा 5 हैं। बहुत गरीब हैं। हम सरकार से बोल रहे हैं कि हमारा इंदिरा आवास पास हो जाए। हम सभा में ग्रह हैं। कांग्रेस नेत्री रामेश्वरी उरांव ने कहा, चौधरी देवी और उसका परिवार काफी गरीब है, मजदूरी करके इसी तरह लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जिला प्रशासन व सरकार से अपील करती है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए। इस मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से जब बात की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार करती, प्रधानमंत्री आवास हम लोगों को बस में नहीं है, ये केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार पास करेगी तब हम लोग आवास दे सकेंगे। फिलहाल घर धसने के मामले में अचल अधिकारी के यहाँ आवेदन दे तो उनका क्षतिपूर्ण दिया जा सकेगा, लेकिन आवेदन देने के बाद भी आज तक गरीब किसान का घर नहीं बनना कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। वो जो सहोदरी देवी है, इनकी बेटा जयश्री साहू है, ये लोग बहुत गरीब परिवार के हैं और ये लोग का घर बरसात में 2-3 महीना पहले धस चुका है। ये लोग का रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये लोग अभी दूसरे के घर में रह के काम करके अपना जीविका चला रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूँगी कि ये लोग को इंदिरा आवास मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं भी देखने आई हूँ तो पता चल रहा है कि लोग का रहने का कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगी कि लोगों को एक इंदिरा आवास मिले। बता दें कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अभी भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। सरकार की इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जितना प्रचार करना जरूरी है, उतना ही योजनाएं सभी तक पहुंचाना ये भी महत्वपूर्ण है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।